जय श्री राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने आए हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी कल्याण पुलिस स्टेशन से आगे आप जब बढ़ेंगे तो अलिंको क्रॉसिंग आएगी। अलिंको क्रॉसिंग से 1 किलोमीटर अंदर आप जब चलेंगे वहाँ पे ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी 100 गज का मकान है, 20x45, और ये मकान आपका गेटेड सोसाइटी के अंदर बना हुआ है। सामने अगर रोड की बात की जाए तो सामने जो आपको रोड मिल रही है वो 20 फीट रोड है। यहाँ पर कार वगैरह आपकी आराम से अंदर आ सकती है और बाहर पार्किंग का अच्छा खासा स्पेस है। अब आपको अंदर लेके चलते हैं मकान के। मकान के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, पहले तो आपको छोटा सा पार्किंग एरिया मिलेगा, राइट हैंड साइड पे आपको सिंक मिलेगा और उसके बगल में आपको अटैच बाथरूम मिलेगा। बाथरूम में आपको टाइल्स और गीजर लगा हुआ मिलेगा जो कि इंडियन रहने वाला है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे पहला रूम मिलेगा। इस रूम में आपको काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग का काम किया गया है और काफ़ी प्यारा कलर का कॉम्बिनेशन भी किया गया है। फॉल सीलिंग इस रूम की काफ़ी खूबसूरत है और दीवारों पे चारों तरफ वॉल पुट्टी पीओपी का काम भी किया गया है। फ्लोर पे आपको हर तरफ टाइल्स मिलेंगे। रूम के आगे बढ़ेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे किचन मिलेगा। इस किचन में भी आपको ग्रेनाइट पत्थर और टाइल्स का काम देखने को मिलेगा। रूम की किचन से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और रूम मिलेगा। इस रूम में भी आपको वॉल पुट्टी पीओपी का काम देखने को मिलेगा और कलर का काफ़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन किया गया है इस रूम में भी। रूम से बाहर निकलते हैं और सामने आप देखेंगे तो एक आपको बड़ा सा एल शेप में काफ़ी बड़ा किचन मिलेगा। देखिए नीचे आपको 2 किचन मिल रहे हैं, एक तो छोटा किचन मिल रहा है और एक ये बड़ा किचन रहेगा जो कि एल शेप में रहेगा, काफ़ी बड़ा किचन है। वॉल पे बात करें तो वॉल पुट्टी पीओपी का काम किया गया है और इसके पीछे आपको जो है एक रूम मिलेगा जिसमें आपका मंदिर बना हुआ है, टेम्पल इसमें बना हुआ है। इस रूम में भी आपको वॉल पुट्टी पीओपी का और टाइल्स का काम देखने को मिलेगा। देखिए नीचे आपके 3 रूम हो गए, 2 किचन हो गए और 1 बाथरूम हो गया। और हाँ, यहाँ पर आपको सबमर्सिबल भी लगा हुआ मिलेगा तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम ऊपर अपने फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। लेडर में आपको ग्रेनाइट पत्थर का और साइड में लोहे की रेलिंग का काम देखने को मिलेगा। सामने आपको वॉल पे ग्लास की विंडो दी गई है जिससे रोशनी काफ़ी अच्छी आती है। अब हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हम जैसे फ्लोर में भी आपको टाइल्स वॉल पुट्टी पीओपी का काम देखने को मिलेगा। सामने आपकी बालकनी है, ये आपकी बालकनी है। ऊपर भी आपको 1 बाथरूम मिलेगा, सिंक लगा हुआ मिलेगा। ये बाथरूम आपका वेस्टर्न रहने वाला है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपको वॉल पे और छत पे वॉल पुट्टी पीओपी का काम देखने को मिलेगा। फ्लोर पे अगर बात करी जाए तो आपको पूरे मकान में ऊपर से नीचे तक फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में हर जगह टाइल्स लगे हुए मिलेंगे। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ये आपका पहला रूम रहेगा। इस रूम में भी आपको टाइल्स और वॉल पुट्टी पीओपी का काम देखने को मिलेगा।
ये मकान अभी हम आपको बता दें अभी नया ही बना है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इस मकान को बने हुए। पहला रूम हमने आपको दिखा दिया, अब ये जो आपका दूसरा रूम है जो कि ये उससे बड़ा रूम है, इस रूम में भी आपको वॉल पुट्टी पीओपी का और फ्लोर पे टाइल्स का काम देखने को मिलेगा। पूरे ही मकान में अगर बात करी जाए कलर कॉम्बिनेशन की तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा कलर कॉम्बिनेशन किया गया है। पूरा मकान पिलर पे बना हुआ है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी आपको एक किचन मिलेगा जो कि एल शेप में दिया हुआ है पुट्टी का, पीओपी का काम मिलेगा और टाइल्स ग्रेनाइट पत्थर सिंक भी दिया गया है। अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर टेरेस पे। टेरेस में भी चल के आपको दिखाते हैं। देखिए जब अपने छत पे चलेंगे तो सामने वॉल पे इसमें भी आपको ग्लास की विंडो दी गई है जिससे रोशनी अच्छी खासी आपको मिलती रहे। ऊपर टेरेस में भी आपको एक स्टोर रूम मिलेगा, इंडियन बाथरूम मिलेगा। चारों तरफ घनी आबादी है और ये मकान आपका आईटी के पीछे ही बना हुआ है। 100 गज में ये मकान है, 20x45। अगर इसकी डिमांड की बात करी जाए तो 42 लाख रुपये डिमांड है जिसमें बैंक से फाइनेंस भी अवेलेबल है। अगर आप इस मकान में विजिट करना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, उस पर कॉल करके आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल AS होम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो अब हम भी चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।